बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल मेरे तमाम भैन भाइयों के? ठीक ठाक हो? तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, भी तो नहीं भी, क्योंकि इन्हें मैंने रोक लिया भी दवाई लेवन जाना है तो इतने आराम कर। 9 बज गए ने, हसन तो हसन तो मामू चले गए ने, तो असी जाना दवाई लेवन, उधर जाके पट्टी करवानी है। वह अनायत कि बाबे लो जी थोबू में लग गया सी, तो बाकी साहिवाल भी लाजमी जाना है, क्योंकि एक डॉक्टर दसिया एक बंदे ने, उन्हें आख्या बिल्कुल अल्लाह के हुक्म ना पहली दवाई नहीं तेनों आराम आ जाएगा, तो लत्तां तो बिल्कुल नहीं खड़िया होया खड़ा होया जाता। दो दफ़ा तो गिर भी चुके अज सुबह सुबह ही, क्योंकि वह गिरन के बावजूद ना इन यानी गिरन की वजह तो इन्हें रोकया भी तू दुकान पर नहीं जाना। हसन आख्या अबू तू दुकान पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्यों कल उत्थे फिर पहले मंडी गया तो थोड़ी तबीयत ठीक हो कितने मेरे को रहा जाता। मैं कहना मैं पहले तू भज भज के काम करा तो लोगों के लैन देन नबेड़ा, ता करके ना असल वड्डा जिहड़ा मेरा माइंड खराब होया फिरदा ना लैन देन दे पिछे होया फिरदा, लैन देन अल्लाह करे कवर हो जाए ना, फिर बंदा 5 दिन आराम कर लैंदा, तो आराम करन दे बावजूद ठीक हो जाता है। तो तुसीं बैणा भाई दुआ करिया जी, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म ना डॉक्टर को जावांगे ना। तो डॉक्टर उस ऐसा दस्या उन्हें यही मसला सी बंदे नूं, उन्हें आख्या भी डॉक्टर ऐसा हैगा भी तैनू रात में इतनी सुकून की नींद आएगी ना भी लत्तां दी दर्दा दुर्दा सब कुछ तेरी खत्म हो जाए, पट्ठे का खिचाओ कहिंदा बिल्कुल कवर हो जाएगा। दुआ करो इंशाल्लाह इस तरीके हो जाए तो होर मैनू की चाहिए जिंदगी दे विच, हुण तक खलोया ही नहीं जाता बिल्कुल, ये कुल्ले बहुत दर्द करते ने, इतने शदीद करते ने कि मैं अस्तगफुरुल्लाह कहना नहीं चाहिए कि रब को मौत मंगनी शुरू राती कर दी, इतनी दर्द हो शदीद। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਓ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ कि मैं तो कहना हकीकत आल दुनिया ते जितने दुख ने मैनू मिल जावन ते मेरे भैन भाइयों नू ना मिलन, ये दिलू दुआ हैगी मेरी। अल्लाह पाक वादा वाला शरीक है, सब ते करम करे, सब ते रहमत करे, ते साडियां दुआवां तो यही होंदियां ने कि कोई दुनिया ते दुखी ना रहे, हकीकत किसे नू रंजो गम ना आवे, छुट्टी नहीं करदे आणे रंजो पाड़ के ते जाके दुकान खोल लेंदे ना, बच्चे जिहड़े ना बच्चां नू कोई परेशानी ना बणे, या बच्चां नू भी परेशानी ना बणे, उत्थे भी हजारां घर है, या हजारां घर तां नहीं ते सवां दी तादाद नाल तां हैगे ने, 50-60 घर हैगे ने जिन्हां दा चुल्हा अल्लाह पाक ने साडे जिम्मे लाया होया, मेरे जिम्मे लाया होया भी है तूं रुपये दे दी चीज़ देनी है ते इन्हां दी हांडी पकड़नी है, ते मैं उस गल ते बहुत खुश हाँ, बहुत ही खुश हाँ। शायद यही अल्लाह पाक ने मेरे जिम्मे लाया, हज़ार बारी दुकान इन्हें छुड़ाने की कोशिश की थी, तो मैं नहीं छड़ता, मैं ना कोई यतीम बच्चे है गए ने, कोई मजदूर है गए ने घर बैठे, उन्होंने को गुंजाइश नहीं हैगी उन्होंने को, तो मैं जरूर बार जरूर जिंदगी दे विच कलमा पढ़ के कहना ला इलाहा मुहम्मद रसूल अल्लाह भी मैं ये काम नहीं छड़ सकता, क्योंकि मैं छड़ भी दिता ना तो मैं उत्थे कोई वर्कर रख देवगा ते उन्हों सौदा लिया के देता भी उन्हें बंदियां दे ए खान पीन बंद ना हो, रुपये दे रुपये दे खान पीन बंद ना हो, क्योंकि महंगाई के दौर अज सब्जी भी नहीं लई जाती। चल मैं यही कहना भी सानू 20 रुपये आलू माशाला कल मिले ने ना, तो असी 40 रुपये बेच रहे, अद्धो अद प्रॉफिट लै रहे हैं, ठीक है ना, तो वह प्रॉफिट उन्होंने बच्चों के सिदक ने सानू आ रही है, उन्होंने मदद इमदाद ना ही सानू आ रही है, अल्लाह पाक उन्होंने क्योंकि दुआवां करते हैं, हकीकत सानू ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਮਣ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 3,000 ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ 1,000-2,000 ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਇਦਾ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਕਦੇ ਕਦੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਰਸ ਬਿਸਕਟ ਲੈ ਲੈ, ਉਧਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ते ए काम भी आपां सारे करने ने दुनिया दे, ते इसे तरीके तुसी भी हेल्प कीती करो रुपये दे दी, जेड़ा कोई मजदूर होवे या जेड़ा कोई खड़े होया नहीं जाता एक मिनट बैठ के, जिन्ना दी कोई मतलब हेल्प या इमदाद कोई नहीं कर सकता तुसी उन्हां दी जरूर कीती करो, बार जरूर कीती करो, ठीक है ना। ठीक है, साडा घर चल रहा माशाल्लाह, थोड़ा बहुता अगे जेड़ा है मतलब वो गिराज वगैरह या जेड़ा सी सपना सोचा सी, इंशाल्लाह एक दिन तुहाडे भैन भाइयों की दुआ तुहाडी मुहब्बत तुहाडी हेल्प की वजह नाल इंशाल्लाह तमीर बिल्कुल हो जाएगा, जिस तरह ये तुहाडी मुहब्बत का सिला हैगा इस तरीके तुहाडी मुहब्बत और प्यार दे सिले नाल, ठीक है ना। ये सारी काटो भी अगे आ गई मानो आ जाओ राजा, आ जा मेरे पास आ जा कुर्सी ना, तुहाडी हेल्प ना इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल ते उस मालिक दी करम निवाजी नाल इंशाल्लाह ते तुहाडी मुहब्बत प्यार नाल इंशाल्लाह। ए वी एक दिन ना खिच पैंदी पई यार, बड़ी दर्द हो रही है, ते रब जेड़ा है ना वो बड़ा कादर करीम है, पता नहीं हुण ये मेरे वास्ते अजमैश हैगी सी या कुछ हैगा सी, हकीकत है ना मेरे नाल ये हादसा हो नहीं सकता सी, होया क्यों है सिर्फ किसी वजह तो होया भी अल्लाह पाक वड्डे मसले तो बचा लिया, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ना भी जितनी ही मुसीबत आ जावे ना अल्लाह पाक दे अगू दुआ करनी चाहिए भी या अल्लाह पाक इस तो वड्डी मुसीबत ने दी, क्योंकि उनका शुक्र अदा चाहिए बिल्कुल आखिरी सांस ही है ना तुहाडी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो भी यार या रब रब ताला भी तेरे दिते हुए सांस है तो आखिरी सांस तक ना तुसी ना ये आखना चाहिए भी या अल्लाह तू इस तो वड्डी मुसीबत मैनू नहीं दिती तो इसे तो गुजारा हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो तेरे खजाने कोई कमी नहीं, तेरे खजाने बहुत भरे हुए ने, तो तू अपने खजाने सेहत भी अता कर सकना है ते मदद भी इंसान की कर सकना है, मायूसी बिल्कुल नहीं जेन च रखनी चाहिए भी ओ साडे को तो कोई शह नहीं हैगी, अस्तगफिर लाओ रब बहुत दे रहा है ते बहुत अच्छा खा रहा है, अल्लाह पाक तुहानू भी जेडे मेरे भैन भाई कमजोर है अल्लाह पाक तुहानू भी बहुत ही अच्छे तरीके नाल प्यार मुहब्बत ना रहो रहो तो अल्लाह पाक तुहाडे ते शफकत रखे साया रखे नीले आसमान वाला तुहाडे सिर ते साया रखे, तुहाडे बच्चों नू अल्लाह पाक सेहतमंद रखे, कोई रंजो गम कोई तुहाडे ते इहो जी कोई मतलब आँच ना आवे मेरे ते आ जाए तुहाडे ते ना आवे, वेखण पैणा भाइया ते जितना मेरे नाल प्यार करते हो जितने कमेंट्स प्यारे करते हो अल्लाह पाक तुहानू इस तरीके ते ताहियात सेहतमंद रखे ते एक दूसरे नाल प्यार मुहब्बत वंडदे रहिए, होर कोई दौलत दौलत पैसे दे भुखे कोई नहीं हैगे कोई नहीं हैगे कोई नहीं हैगे, क्योंकि ये देन लैण हुंदा है, ये चार दिन बाद मेरा देन लैण हैगा थोड़ा बहुता वो सही हो जाएगा, माड़ा मोटा पहले गिराज बना लाँगे इटा उटा लै लाँगे को हज़ार हज़ार करके बस इस तरीके हज़ार रेट लै ली मुड़ हज़ार रेट लै ली, क्योंकि वो कमेटी हैगी अपना 1,30,000 की उनके नाल कोई इटा आ जाएंगे माड़ी मोटियाँ कुछ उधार लै लाँगे इस तरीके सा यानी कि सिस्टम आप पूरा करना इंशाअल्लाह, जिस तरह तुहानू दस्या सी नक्शा अगे कोठी का नक्शा बनाना गिराज बना के सोना, हसन माई कहिंदा वी गड्डी लै के दिओ जी वो वैगनार, मैं क्या पुत्र पहले गिराज बनावांगे ना लैटरीन डा के ते गिराज बनेगा ते अदरी साइड ते बैठ नू सोहनी एक बैठक बनावांगे सोहना यानी कि कमरा बैडरूम जिन्हों कहते हैं मेहमाना का बैडरूम सोहना बना के इंशाल्लाह इत्थे अगे पार्क बना के बड़ा प्यारा एक सिस्टम जिहड़ा सोचा होया इंशाल्लाह तुहानू दस्या होया वो तुहाडा भाई अपने जींदिया जींदिया करके जाएगा इंशाल्लाह। ये मायूस हो जाती कदे कदे, मैं क्या मायूस नहीं होना कदे जिंदगी मायूस ना होया, जे भावें आखिरी दम भी होवे ना एक रोटी तुहाडे खाण दी घर ना होवे मायूस नहीं होना, अल्लाह पाक को दुआ मंगी कि अल्लाह पाक सानू होर इस तो वड्डी मुसीबत नहीं दित्ती, चल एक पल दी मतलब एक रोटी तो पई है ना सारे वंड के खा लांगे, मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके रहमत दे समुंदर ठाठा मार रहे ने, ये दुनिया हैगी इतनी एक हवा हवा दे विच यानी कि एक कहकशां है, कहकशां दे विच एक गुब्बारा जिहड़ा है ना ये अपनी दुनिया गुब्बारा हैगी ये घूम रही हैगी तो इतनी स्पीड ना घूम रही हैगी कि अपना हज़ूर सल्लम जो हम कलाम होए सी ना तो अल्लाह पाक ने फरमाया भी या अल्लाह पाक जे तुसी सौंदे नहीं हैगे
जे तुहानू इतनी मतलब मेरे वास्ते बनाया है अल्लाह पाक दे कोई नबी पाक ने फरमाया भी मेरी दुनिया ते भेजा है ते मैनू रहमत लालमीन बना के भेजा है ते ए अगर तुहानू ऊंग आ गई मतलब तुसी सो गए तो यह तो रुक जाएगी तो हर शायद बिल्कुल तैश नैश हो जाएगी। उस अल्लाह पाक ने फरमाया भी मैनू ऊंग नहीं आती मैनू तेरे सदके ने सारा मैनू ख्याल हैगा सुबहान अल्लाह। इस तरीके प्यार मुहब्बत दल्ला जिड़ी गल्ला मैनू आदियां ने मैं तुम्हें भैन भाई ने शेयर ता करना कि किसी भैन भाई माइंड बह जाए तो किसी मजदूर की बीमार की जिधर दुनिया ते हजारा लख इतने मजबूर दुनिया पई है उन्होंने आवांढ गवांढ देखा करो तुसी अगे पिछे रास्ते गली महल्ले देखा जेड़ा को खड़ा है कमजोर यानी कि ते तुसी उन्दी इमदाद मदद हैल्प जरूर की करो क्योंकि दुनिया चार दिन की हैगी है चांदनी फिर अनेरिया रात ते आपा एक न एक दिन इस दुनिया फानी तो चलिया जाना है चाहे जो ही मज़हब का आदमी है मैं हर ना मुहब्बत करना इतनी मुहब्बत करना शिद्दत ना मैं नहीं कहता कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई अंग्रेज़ है कोई ईसाई है अस्तगफिरुल्लाह एक आदम दी आप औलाद है तो और एक ही हो के रहना चाहिए प्यार मुहब्बत बनना चाहिए एक दूसरे नाल किसी नू कोई लैंक कोई गर्ज मैं अपनी जान की कसम दे के कहना मैं दिलों कह रहा भी मैं किसी नाल कोई फर्क नहीं है किसी नाल कोई नहीं मैंने सिर्फ पूरी रूह जमीन ते हर इंसान ना मोहब्बत है जी और मोहब्बत रहेगी इंशाल्लाह और मोहब्बत रहेगी इंशाल्लाह बाकी तैयारी करने इंशाल्लाह ना इतना कर दे अपने दरवाजे तो किसी दे मुहताज ना करे कि असि अल्लाह दे राह ते देंदे देंदे थकीए भी ना क्योंकि जे मैं देवां ना ते मैनूं कदे इस मना नहीं कीता कि तू अल्लाह दे राह ते ना दित्ता कुछ कुछ इस तरह ने मैं वेंदी आ के भी मियां बीवी हुंदे ने इक जणा देंदा दूआ ना कि तू क्यों दित्ता ना जी अस्तगफुर उस दिन अल्लाह पाक जान लै लवे ते आंदा मैं इस तो ज्यादा देवां ते असियां ने भी साडे कोल होवे ना ते असि अल्लाह दे राह ते इतना कदे भी कि देंदे देंदे थकीए भी ना क्योंकि इतनी इतनी मजबूर दुनिया पई है ना लाचार पई है कि जिन्हां दा कोई सारा नहीं है मतलब ठग के या मतलब किसी गरीब वेख के ते मैं उन्हें कुछ चीज दे ना सका उस दिन क्योंकि मैं आना भी जितना ही दे लो क्योंकि अल्लाह पाक खुश ता हुंदा उनकी मखलूक बनाई हुई नु तुसी खुश रखो ता ठीक है ना ना के क्योंकि गलतियां मैं भी कीतियां ने मैं भी बस ना तैशे चाह के या जिस तरह भी समझ लो माफिया भी मंगिया ने एक दो बंदे ने लड़ाइया हुई ने माफिया भी उन्होंने को मंगिया ने और उन्होंने माफ भी कर दिता है उन्होंने मेहरबानी है अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे ता हयात कयामत तिकर उन्होंने अल्लाह पाक सलामत भी रखे अल्लाह पाक उन्होंने रिजक तो नवाजे क्योंकि उन्हें माफ कर दिता क्योंकि गलती इंसान तो हो जाती है कुछ भी हो सकता है ये नहीं आख सकते कितने अपने आलमे दीन ने उन्हें कोई गलतियां हो जाएं ने अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के जेडे प्यारे नबी से उन्हें कोई गलतियां हो जाएं सी ठीक है ना लेकिन उन्हों का अजाला हों अजाला जरूर देना चाहिए बाकी एक दूसरे ना प्यार मुहब्बत ना रह करो घर जड़िया परेशानियां बनदियां उन्हों की वजह तो भी इंसान कमज़ोर हो जाता है तो क्योंकि माइंड जो खराब हो जाता तो कमजोरी तो खुद बखुद आ जाती तो बिल्कुल तुसी ना इतना प्यार रखा करो घर दे विच कोई टेंशन ही ना बनी करे बिल्कुल उंदे च ना के गल मीं ने कोई परेशानी बने तो उंदे नाल औरत नु साथ देना चाहिए उंदी परेशानी थोड़ी जी कम हो जांदी ते जे औरत दे कोई परेशानी बने तो उंदे च नु मीं ने साथ देना चाहिए हकीकत ए नाल नाल हकीकत जदों कोई मसला बने मेरी बीवी मतलब मेरे नाल खड़ी हुंदी कंधे ना कंधा मिला के आंदी कोई टेंशन नहीं हैगी मैं जो आएगी कोई टेंशन नहीं हैगी अल्लाह पाक तेन सेहत देगा कोई टेंशन नहीं है लेकिन ए मंडी बार बार जाना मैं नुकसान दे पैंदा पे तो हूँ मैं आराम करांगा इंशाल्लाह दवाई भी लैके आने तो तुसी दुआ करा जे इंशाल्लाह खैर सलामती हो के आइए तो नाल नाल रहा जे इजाज को मोटरसाइकिल मंगवाने क्योंकि मोटरसाइकिल दूसरा सी जिहड़ा वो 70 वह बेच दिता क्योंकि थोड़े बहुत पैसे देने से एक बंदे दे तो कह रहा सी यार मैं मजबूर हाँ मैं वे लै ला यार मैं उन्होंने वेच दिता है कह रहे कि खैर सी मैं दसिया मैं पैसे देने से छोड़ दे ते ता करके उन्होंने देता हूँ पुराना मोटरसाइकिल पुराने मोटरसाइकिल तो हम सियासन वाले भी लोग देखे जो पुराना मोटरसाइकिल स्टार्ट ही हो रहा बिल्कुल अल्लाह लू होंगी ना फिर आजमायश होंगी
ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੁੰਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬੇਬਾਹ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਮੇਟੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਗਰਾਜ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਠਾਈ ਮਾੜਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਟ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਆ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਂਟਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।